हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, लेकिन आज मैं अच्छी नहीं हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छे वाला वायरल हुआ हुआ है, कोल्ड हुआ हुआ है, बिल्कुल ब्लॉक है नोज। अदरवाइज आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी आप थोड़े से प्रोडक्ट से अपना सिंपल मेकअप कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। आज का सारा मेकअप मैं इस जैकलिन हिल के पैलेट से करूंगी। इससे मैं बहुत सारे अपने मेकअप पहले कर चुकी हूँ। ब्राइडल भी मैंने इसी से किया है, मोस्टली ईद लुक में भी मैंने यही यूज किया है। बहुत सारे कलर्स इसके अंदर है, आपको डार्क्स भी मिल जाएंगे, आपको ब्राउनिश शेड भी मिल जाएंगे, आपको शिमरी भी मिल जाएंगे, मैट भी मिल जाएंगे। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट है ये। अगर आप बिगनर हैं और कोई नया पैलेट लेने की सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं किस पैलेट में इन्वेस्ट करूं या ऐसे कौन से पैलेट है जिसमें बहुत सारे मेकअप लुक क्रिएट कर सकूं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकूं, तो मस्ट बाय है। मतलब मैं आपको एडवाइस करूंगी आप ये वाली पैलेट अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, जिससे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन इस पैलेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ ताकि जो मेरा मेकअप है वो डर्ट फ्री रहे और जो मेरे पोर्स हों वो क्लीन हो। अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ NYB के लिप बाम से। आप वैसलीन भी ले सकते हैं, जो भी लिप बाम आपके पास अवेलेबल हो आप वो भी ले सकते हैं। अब मैं फेस के लिए ले रही हूँ कुकुम्बर टोनर। अगर आपके पास कुकुम्बर टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर भी ले सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा। इससे हमारे पोर्स टाइटन अप हो जाएंगे। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फेस सीरम। अगर आप पे फेस सीरम नहीं है तो आप यहाँ पर मॉइस्चराइजर या डे क्रीम, नाइट क्रीम, जो भी आप लगाते हैं, या फिर सिंपल एलोवेरा भी लगा सकते हैं, सेम काम करता है एलोवेरा भी। गाइज, जो आपके पास नहीं है मैं उसका ऑल्टरनेट आपको देती चल रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से अपना काम निकाल सकते हैं, चला सकते हैं। तब तक मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ली है आईब्रो पेंसिल कलर्स क्वीन की डार्क ब्राउन। अगर आप पे आईब्रो पेंसिल भी नहीं है तो आप ब्राउन आई शेडो से अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ का ऑल्टरनेट इस वीडियो में देती चलूंगी, जिन पे जो चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होता हर चीज़ किसी पे अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्राइमर। अगर आप पे प्राइमर भी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। दोनों सेम काम करते हैं, हमारे पोर्स को मिनिमाइज करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं फाउंडेशन और स्किन पे हार्म होने के लिए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बीबी क्रीम। बीबी क्रीम हर किसी पे अवेलेबल होती है। अगर आप पे नहीं है तो एक अच्छी बीबी या सीसी क्रीम में इन्वेस्ट कीजिए। फाउंडेशन आप डेली नहीं लगा सकते हैं, सिंपल मेकअप के लिए, एक लाइट मेकअप के लिए आप बीबी या सीसी क्रीम में इन्वेस्ट करें। आप लैक्मे की सीसी क्रीम भी ले सकते हैं, एलोवेरा वाली भी आ गई आजकल, उसमें बहुत अच्छी स्किन के लिए, वो भी ले सकते हैं। मैं उसका रिव्यू भी आपको जल्दी दूंगी। तब तक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे, अपनी नेक पे। और ये देखिए, जो ये वाली मी ऑन की बीबी क्रीम है, इसको सेट करने के लिए मैंने मी ऑन का ही ऑयल कंट्रोल पाउडर लिया है, कॉम्पैक्ट लिया है। आप लूज पाउडर भी ले लो, आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट ले लो जो आपके पास अवेलेबल हो, जरूरी नहीं आपको यही लेना है, ऑयल कंट्रोल ही लेना है। अब अपनी आईज के मेकअप के लिए, एक सिंपल से मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश पे ब्राउन आई शेडो पिक किया है और उस पर क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ। और लिड एरिया के लिए एक सिंपल सा शिमरी आई शेडो लिया है जो जैकलिन हिल की पैलेट से है, उसे अप्लाई कर रही हूँ। मैं कोई भी बहुत ज़्यादा टिपिकल या हार्ड मेकअप नहीं कर रही हूँ। अगर आप पे ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अंडर 200 आपको पूरे मेकअप ब्रशेज मैं अवेलेबल करवा दूंगी। अपनी लोअर लैश लाइन के लिए मैंने यहाँ पे सेम ब्राउन आई शेडो जो मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे लगाया था, वही लेके एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और मेरी तबीयत मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है मेरी आवाज़ आपको भारी लग रही हो, लेकिन यहाँ पे मैंने लोअर लैश लाइन के लिए लिया है काजल, NYB का काजल सबके पास होता है। इस काजल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और काजल लगाने के बाद जो आपकी आंखें हैं वो थोड़ी सी और खूबसूरत लगने लगती हैं। अपनी ऊपर वाली जो लाइनर है, लाइनर आप पे नहीं है या फिर आप नहीं लगाना चाहते तो एक स्मोकी इफेक्ट के लिए काजल पतले से पतला अप्लाई कीजिए अपनी लैश लाइन के पास और उसे स्मच कर लीजिए, चाहे क्यू टिप की हेल्प से, चाहे फिंगर की हेल्प से, या कोई भी पॉइंटेड ब्रश हो उसकी हेल्प से आप उसे स्मच कर लीजिए। एक स्मोकी इफेक्ट मिलता है आपकी आईज़ को। और उसके ऊपर ब्राउन या ब्लैक आई शेडो से थोड़ा सा उसे सेट कर लीजिए ताकि जो आपका काजल है वो स्मच फ्री हो जाए 100%। ये देखिए, बहुत हल्का सी मेकअप से बहुत अच्छा लुक मिल जाएगा। अब इसी पैलेट से कॉन्टोर भी कर लूँगी मैं अपने फेस को, नहीं तो फेस बिल्कुल प्लेन वाइट सा दिखेगा, एकदम बिल्कुल अजीब सा फेस दिखता है। अगर आप सिर्फ फाउंडेशन लगाते तो आपका कैनवस जो है वो वार्मथ नहीं पकड़ता है। इसी आई शेडो से मैं अपना कंटूर भी कर रही हूँ। आप देखते जाइए कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कंटूर होता है। ये ब्रशेस बहुत सस्ते हैं गाइज, मैं आपको बता दूँ, अफोर्डेबल हैं और 100% वर्क करते हैं। मैं इन्हीं से ज़्यादा अपना काम निकालती हूँ, 100% वर्क करते हैं ये।
ये मेरे को अमेजोन से मैंने परचेज किए थे, एक थे नेकेड की पैलेट और उसमें समथिंग 12 ब्रशेस थे और वो मुझे अराउंड 200 का पड़ गया था। ये वाला ब्रशेस जो मैं ये जिससे मैं अपना ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ये वाले ब्रशेस का सेट आया था 10 ब्रशेस का, 5 स्मॉल ब्रशेस थे, 5 बड़े ब्रशेस थे। इसका भी राउंड 150 के आसपास मुझे इसका भी प्राइस पड़ा था और इसी से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छा काम करते हैं ब्लश ब्रश सॉरी। और मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा सा। इसी पैलेट में आपका सारा काम हो जाएगा। ये पैलेट मुझे इतना पसंद आया है, अब मैं नोज़ को भी हाईलाइट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है बोंजोर का मस्कारा, बोंजोर पेरिस का मस्कारा। ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहता है कि वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी कोटिंग करता है आपकी लैशेस को। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी न्यूड लिपस्टिक, ये है हिलेरी हुडा का। और इसका भी प्राइस जो है वो बहुत अफोर्डेबल है, अराउंड 60-70 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा। और लोकल मार्केट से जाओगे तो और सस्ता मिल जाएगा, अपने घर के आसपास वाली शॉप से पता करोगे तो सस्ती मिल जाएगी ये वाली। और यहाँ पे मैंने लिया है आई एम्स्टरडेम का लिपस्टिक, ये 200 का ही आपको पड़ेगा एग्जैक्ट। अगर सेल चल रही होगी तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। और मेरा फाइनल लुक आप ही देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर। कुछ ही प्रोडक्ट से आपका 250-200 के अंदर काम हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है एक हैक वीडियो।